We will be discussing about isomorphism and polymorphism. Iso, आपको नाम से पता चल गया होगा, आइसो मतलब क्या, सेम, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर. आइसो मॉर्फिज्म, मॉर्फ मतलब क्या, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर. सो ऐसा होता है, सॉलिड अलग अलग है, ठीक है, सॉलिड अलग अलग है लेकिन जो स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, राइट, और मेरे क्लास में यानी सारे के सारे हमारे बच्चे मेरे से काफी ऊंचा है ना, पर मेरा बराबर के दो तीन बच्चे होते हैं, जैसे एक सैमुअल है, देन दूसरा आप ही जानते हो क्या नाम है, आदित्य वाघ है एंड भूषण वाघ है. सो वी आर ऑलमोस्ट ऑफ द, देन निबिर चकमा, देन वी आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज, ठीक है, वी आर डिफरेंट पीपल बट आवर साइज आर ऑलमोस्ट सेम. सो लाइक दिस यू कैन कंसिडर दैट दिस कंपाउंड्स आर, दे आर डिफरेंट बट उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना, एक ही जैसा होता है. सो इसका मतलब आइसोमोर्फिज्म में क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड बट सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसी को. सो आइसोमोर्फिज्म, टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज आइसोमोर्फ सब्सटेंसेस. बात समझ आई या नहीं, आप बताइए. आया होगा समझ में कि यहां पर दो अलग है, सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नेशियम ऑक्साइड, बट दोनों की क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, 1:1 रेशो में है. उसी तरह सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, दे ऑल्सो आइसोमोर्फस, इनका रेशो क्या है, 1:1:3 रेशो का एटम्स है. आई होप क्लियर है. तो उसी तरह ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसको याद कर लेना क्योंकि MHCET में पूछा गया, ठीक है, क्योंकि MHCET में पूछा गया. आई होप इट इज क्लियर नाउ. सो आप देख सकते हैं अगेन, सो दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. देखो Na+ है, यहाँ पर भी Mg+2 है, यहाँ F- आयन है, यहाँ O-2 आयन है. तो अगर स्ट्रक्चर देखो एक ही जैसा है दोनों का, समझ गए ना. सो स्पीसीज अलग है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है ना सेम है, ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए दे आर आइसोमोर्फोस, ठीक है. सो पूछा गया व्हिच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज नॉट आइसोमोर्फोस. सो ये MHCET 2019 का सवाल है. तो आपके एग्जाम्पल में ये भी है, आपके एग्जाम्पल में ये भी है, आपके एग्जाम्पल में ये भी है. सो ये नहीं है. सो आपको लग रहा होगा वन, सर ये भी तो 1:1 रेशो में है पर क्यों नहीं है, ठीक है. सो देयर इज सम रीजन, ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, देयर इज सम रीजन दैट दिस, बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल एटॉमिक साइज, दे डजंट फॉर्म ए सेम क्रिस्टल, ठीक है. सो ये आप देख लीजिएगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. सो उसका बाद अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म. पर बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल नहीं आया, सवाल नहीं आया, बट इट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए हो कभी भी आ सकता है, ठीक है. सो पॉलीमॉर्फिज्म बात सीईटी के लिए तो आपको इंपॉर्टेंस दिख गया, सीईटी के लिए इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना. सो देखो पॉली, पॉली नाम से पता क्या हो गया, एक सिंगल कंपाउंड है, यानी एक फॉर एग्जाम्पल कार्बन की स्पेसी है, ठीक है, एक कार्बन है, कार्बन इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन. सो जब एलिमेंट में पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते, यानी सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. बट इन एलिमेंट जब होता है इसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपिक कहते हैं. लेकिन कंपाउंड, एक कंपाउंड है फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैसे रहते हैं, वो अलग अलग कंपाउंड में रहते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट किससे रहते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर में रहते हैं. सो जब कंपाउंड में होते हैं उसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जब एलिमेंट में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन एलिमेंट जब होते हैं उसको हम कहते हैं एलोट्रोपिक, ठीक है. सो यहां देखिए, ए सिंगल सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस वो अलग अलग फॉर्म में टू या अधिक, दो या दो से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एस पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है. सो मैं जब एग्जाम्पल की तौर पे बात करूंगा मेरे भाई, आप देखो कैल्साइट एंड एरागोनाइट आर द टू फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो कैल्शियम कार्बोनेट का दो फॉर्म कौन कौन सा है भाई साहब, एरागोनाइट एंड कैल्साइट. देन अल्फा क्वार्ट्स, बीटा क्वार्ट्स एंड क्रिस्टलोबलाइट आर द फॉर्म्स ऑफ सिलिका. यानी देखो SiO2 कैन इन द फॉर्म क्रिस्टलोबलाइट, इन द फॉर्म ऑफ अल्फा क्वार्ट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ बीटा क्वार्ट्स. सो सेम एलिमेंट, ये यानी सेम कंपाउंड है, ये सेम कंपाउंड कैसे गया अलग
अलग अलग स्ट्रक्चर में गया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, कार्बन कौन सा फॉर्म, मैंने कहा था इट इज इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, डायमंड के फॉर्म में रह सकता है कार्बन। इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फुलरिन, और इन द माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म लाइक कोल, इस फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। बट क्या होगा, इन दैट केस इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज, इन प्लेस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इट विल कॉल्ड एज एलोट्रोपी, इट विल कॉल्ड एज एलोट्रोपी। भाई समझ गए हो कि नहीं, ठीक है, आई होप इट इज वेरी इजी थिंग, दिस पॉलीमॉर्फिज्म एंड कौन सा दिस आइसोमॉर्फिज्म, राइट। सो आप देखते हैं एलिमेंट्स, पॉलीमॉर्फिज्म इन एलिमेंट्स, वही बात मैंने जो कह दिया है, ठीक। सो पॉलीमॉर्फिज्म ऑकरिंग इन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी, नो डाउट, अभी अभी बता दिया था, जैसे कि ट्री पॉलीमॉर्फिक फॉर्म और एलोट्रोफिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर डायमंड ग्रेफाइट एंड फ्लोरिन, जो अभी अभी मैंने कहा था, ठीक है। सो दिस इज डायमंड ग्रेफाइट एंड फ्लोरिन स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अब देखो स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये एमएचसीईटी का सवाल है। पॉलीमॉर्फिज्म ऑकरिंग इन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रोपी, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने क्या कहा, इज नॉट ट्रू, स्टेटमेंट ध्यान रखे भाई, कृपया करके स्टेटमेंट ध्यान रखे, क्या कहा है, इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, राइट। सो पॉलीमॉर्फिज्म जब होता है किसमें, एलिमेंट में, उसको एलोट्रोपी कहते हैं, मैंने कह दिया। क्या कहा अगेन, सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर पॉलीमॉर्फस कंपाउंड, गलत बात, दे आर आइसोमॉर्फस, अभी अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, दे आर आइसोमॉर्फस, ठीक है, यानी अलग एलिमेंट है, अलग कंपाउंड्स है, बट दे कंटेन द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसलिए उनको आइसोमॉर्फस कहते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फस। लेकिन सी देखें, सिंगल सब्सटेंस दैट एक्सिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फस, सिंगल सब्सटेंस जब दो या दो से अधिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रहता है उसको पॉलीमॉर्फस कहते हैं, ये बात भी सही है, भी सही है। नाउ क्या कह रहे हैं, फ्लोरीन इज पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, वेट, ओके, NaF एंड MgO आर पॉलीमॉर्फस, ओके, हाँ ये गलत है, ये सही है, सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टू और मोर इज सेड टू पॉलीमॉर्फस, ठीक। देन फ्लोरीन इज पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन, जिसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपिक कहते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है भाई साहब, जो NaF एंड MgO, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये पॉलीमॉर्फस नहीं है, बट इट इज आइसोमॉर्फस। सो आपकी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके।